अस्सलाम वालेकुम पेट लवर्स, जिमीज पेट्स डायरी से जिमी जुनैद बनाना प्राइम से आपके सामने एक नए एपिसोड में बहुत ही खास बात, सॉल्ट वाटर एक्वेरियम। आप मेरे पीछे देख रहे हैं और इस मछली को बच्चा बच्चा जानता है। फाइंडिंग नीमो मूवी के अंदर ये मछली हमने देखी है और नादिर अली का जो पॉडकास्ट हुआ था उसके अंदर ये मछली हम अपने साथ लेके था। लोगों के बहुत सारे सवाल थे इस मछली को लेके, बहुत सारी मीम्स बनी थी कि ये वो मछली है जो अपना जेंडर चेंज कर सकती है। और सिर्फ यहाँ पे मछली हम कवर नहीं कर रहे हैं बल्कि इसका सेटअप कैसा होता है, ये सॉल्ट वाटर सेटअप यानी एक समंदरी निज़ाम आप अपने घर के अंदर आर्टिफिशियली कैसे रख सकते हैं। ये जो पत्थर भी आपको उस टैंक में नज़र आएंगे वो सारे के सारे जिंदा होंगे। एक महंगा तरीन शौक, मिलियंस रुपीज़ उस पर खर्च हो जाते हैं और सारी डिटेल जो है आपको इसी सेगमेंट में मिलेगी। ये शौक किसका है, किसने इस तरीके से रखा हुआ है और किस तरीके से आप भी इसको रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसी एपिसोड में कवर करेंगे। चलें आ जाए, पहले उनसे बात करते हैं जिनका ये सेटअप है। इतना प्यारा सा ये टैंक हमारे पीछे नज़र आ रहा है और इससे पहले भी हम टैंक देख रहे थे वहाँ पे। तो ये जो शौक है और इस शौक को पूरा करने वाले जो है वो है हमारे डॉक्टर जैन साहब। और डॉक्टर जैन साहब की ये वही फिश है पीछे जो मैं नादिर अली के पॉडकास्ट में ले गया था, जो बड़ी फेमस हो गई थी हमारी नीमो फिश, वो भी डॉक्टर जैन साहब के घर से आई थी। तो बहुत ही महंगा शौक है ये और बहुत ही महंगे शौक को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें और करनी पड़ती हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की हुई है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आप इंसानों के डॉक्टर है या जानवरों के? मैं बेसिकली जो हूँ तो इंसानों का डॉक्टर, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा टाइम गुजारना अच्छा लगता है जानवरों के साथ। क्योंकि मैं आपकी फेसबुक की प्रोफाइल खोलता हूँ तो इंसानों के साथ ज़्यादा तस्वीरें नहीं है, आपकी जानवरों के साथ ज़्यादा है। तो मैंने पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लें। तो ये इतना बिजी आपका प्रोफेशन है, फिर ये आपका पैशन भी उतना ही बिजी, कैसे मैनेज कर रहे हैं? एक्चुअली बस आजकल के हिसाब से अगर आप देखें ना तो लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है कि आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते चीज़ों में। तो लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें तो आप एक वक्त में ज़्यादा काम भी कर सकते हैं और मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। यही रीज़न है कि मैं ये टैंक जो है टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल के हिसाब से तो मैं इसको अपने प्रोफेशन में बैठकर भी इसको मैनेज कर सकता हूँ और अपने बड़े आराम से जो है इसको ऑपरेट कर सकता हूँ और बिल्कुल कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। ये मैंने इतने सारे सेटअप्स कवर किए लेकिन ये एक नई चीज़ देखी है और ये अब आपको डॉक्टर जैन साहब ही बताएंगे वो टेक्नोलॉजी को मैनेज कैसे कर रहे हैं। क्योंकि मैंने तो यहाँ पे देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये अपने ऑफिस में बैठे हुए किस तरीके से अपना शौक पूरा करते हैं और सारी चीज़ें जो है मेंटेन करते हैं। तो आए डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे इस टैंक के बारे में ज़रा सी डिटेल चाहिए होगी। टैंक जो है ये मरीन टैंक कहलाता है और इसके अंदर जो ये जो कोरल्स वगैरह आप देख रहे हैं बहुत सारे, ये भी समंदरी हयात कहलाती हैं। मछलियाँ वगैरह जो आप देख रहे हैं सारी, ये समंदरी मछलियाँ हैं सारी, ये आम पानी में मीठे पानी में नहीं रह सकती। तो इनको रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है मल्टी ऑर्गेनाइज्ड और टेक्नोलॉजी वाला जो सेटअप आपको डालना पड़ता है, जिसमें ये टैंक आप देख रहे हैं ये पानी पूरा जो है सॉल्ट वाटर है। पानी की जो अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन करने का जो सिस्टम है वो पूरा से अलग लगा हुआ है, जिसके अंदर से बाकायदा ये एक टन का जो है आपका चिलर लगा हुआ है जो 24/7 जो है पानी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और फिर इसके बाद आप आ जाएं तो पानी के अंदर जो ये इसके कोरल्स को खोलने के लिए जो लाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिससे ये जो कि नेचुरल लाइट को मिमिक करता है, जो सूरज की रोशनी और चांद की रोशनी को मिमिक करता है टाइम्स के साथ, वो जो समंदर के ऊपर पड़ती हैं जितने केल्विन्स की वो लाइट पड़ती है उसके ऊपर, उसके बाद वो समंदरी हयात जो है जिंदा जो है वो रह सकती है। तो वही लाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है, उसी को मिमिक करके पूरा। फिर इसके अलावा इसको फिल्टर करने के लिए, इसको साफ़ करने के लिए, इसके अंदर मिनरल्स ऐड करने के लिए जो सिस्टम लगा हुआ है वो ये सम के अंदर लगा हुआ है पूरा, जिसके अंदर माशाल्लाह से देखें आप सारी मशीन देख रहे हैं आप यहाँ से कि जो कि एक नाइट्रेट रिएक्टर लगा हुआ है रेड एंड वाइट कलर का, पीछे जो है प्रोटीन स्कीमर लगा हुआ है। प्रोटीन स्कीमर बेसिकली ये होता है कि आप समंदर में देखते होंगे जो लहरें आती हैं, लहरों के अंदर झाग होती है, वो झाग जो है समंदर के अंदर की गंदगी बाहर निकाल रही होती है। इसी तरह ये जो झाग ऊपर जा रही है प्रोटीन स्कीमर से, ये इस पानी के अंदर से इसकी गंदगी बाहर निकाल रही है। वो कुदरत का निज़ाम है, उस कुदरत ने दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटीन स्कीमर लगाया हुआ है जो कि हमें पता ही नहीं है, और वहाँ हम यहाँ उसको मिमिक करके देखें आप छोटा सा ये लगा हुआ है, ये इस पानी को उसी तरह साफ करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये जो इसके अंदर डॉक्टर साहब मैं ये सारी चीज़ें जो देख रहा हूँ, ये स्टोन्स नज़र आ रहे हैं, ये प्लांट्स लगे हुए हैं जो हिल भी रहे हैं, ये ए टू जेड जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं सारी की सारी जिंदा हैं? जी, ये एवरी सिंगल थिंग, ये जितना अच्छा ये सारी की सारी चीज़ें, ये जो है समंदरी हयात जितनी भी है इसमें अलग अलग किस्म के कोरल्स हैं बेसिकली। इसमें कुछ जोआज होते हैं जो ब्लूम करते हैं बाकायदा, जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे अगर आपको नज़र आए, और कुछ जो है आपके मशरूम्स होते हैं, मशरूम कोरल्स होते हैं जो आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, जो मशरूम्स की शक्ल में होते हैं अलग अलग रंगों के। और ये वो जो हम सुनते हैं ना कि समंदर की कितनी परसेंट जो है वो हयात अभी डिस्कवर ही नहीं हुई, ये डिस्कवर्ड वाली हैं,
इससे भी ज़्यादा खूबसूरत, इससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव जो कि अभी डिस्कवर्ड हुई ही नहीं है। अच्छा, ये बात जो है ना मैंने सुनी थी, आप बताइए कि सच है नहीं। साइंस ये कहती है कि हम सितारों के बारे में ज़्यादा जानते हैं लेकिन समंदर के बारे में अभी हम उतना नहीं जानते जितना हम आसमान के बारे में जानते हैं, क्योंकि लास्ट 20 सालों के अंदर व्हेल्स की दो नई स्पीशीज हमने डिस्कवर की है। व्हेल एक ऐसा जानवर है जो इतना बड़ा है जो कि वैसे ही हमें नज़र आ जाना चाहिए या कहीं पर उसको ढूंढना बड़ा आसान है। तो अगर एक इतनी बड़ी स्पीशी जो है वो 20 सालों में हमने अभी दो एक्सप्लोर की नहीं हो, तो ऐसी छोटी छोटी पता नहीं कितनी होंगी जो हमें उनके नाम नहीं पता, हमने देखा नहीं है, एक्सप्लोर नहीं हुई, उनके बारे में पता ही नहीं है। बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही फरमाया कि बात जो आप कर रहे हैं ना कि ऐसा ही है कि समंदरी जो हयात जितनी भी हम देख रहे हैं अभी आपके सामने जो नज़र आ रही है, ये वो है जो हमें समंदर में भी नज़र आ जाती हैं। मतलब ऐसी भी जो है हम जिसका सोच भी नहीं सकते, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत, और हो सकता है कि कुछ ज़्यादा डेंजरस भी हो जो हमें पता ही ना हो, जहरीली भी हो, लेकिन फिर भी जो है उनको आपको एहतियात से रखना पड़ता है कि मतलब आप पानी में हाथ डालें, आपके प्रॉपर ग्लव्स आपने पहने हुए हों, उसके अलावा जो है आप इसको मेंटेन प्रॉपर करें, उसको जो है ब्लूम सही से हो रहा हो वो बिल्कुल सही से रखा हुआ हो, और अपना टीवी में देखें नीमो को सब जानते हैं। दूसरी मछली जो है नीमो के साथ अभी जो नई मूवी आई है फाइंडिंग डॉरी, ये वही डॉरी है, वही फिश है ये। इसको सर्जन टैंक कहते हैं, इसको ब्लू टैंक भी कहते हैं, इसको जो है रीगल टैंक भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं, और ये बहुत मिस्टीरियस फिश है, ये बहुत ज़्यादा मतलब छुपने वाली फिश है, ये बेसिकली इसको हम जैसे हाँ ऐसे छुप जाती है, एक्सपोज नहीं होने देती, और जो है लाइट बंद होती है तो ये गायब हो जाती है बिल्कुल टैंक से। आप इतने से टैंक में भी आप इसको ढूंढ नहीं सकते, कहाँ गई कुछ नहीं पता। अच्छा, ये बिल्कुल नज़र नहीं आएगी आपको, ये पत्थरों के अंदर ऐसी जगह बनाएगी जिसके अंदर आपका पेपर भी नहीं जा सकता, पत्थर में ये उसके अंदर घुस जाएगी। अच्छा, क्योंकि वो फाइंडिंग नीमो मूवी के अंदर हमने देखा है ये जो प्लांट जैसी चीज़ होती है इसके अंदर घुस के बैठ जाते हैं। जी जी जी, और वो दूसरी मछली को डंक मार रहे होते लेकिन इनको नहीं मार रहे, तो ये इस तरह की इनकी कोई बायोडाइवर्सिटी बॉन्डिंग ऐसा होता है कि जो आप इनको कह रहे हैं ना प्लांट्स वगैरह, तो वो अभी यहाँ है नहीं मौजूद, उसको कहते हैं सी एनिमोन, एनिमनी भी कहते हैं हम लोग एनिमोन नॉर्मल, और वो जो नीमो का जो नाम पड़ा है ना तो वो उस प्लांट की वजह से नाम पड़ा, उस प्लांट का नाम है एनिमनी, एनिमनी के बीच में आ रहा है नीमो, एनिमनी के बीच में नीमो आ रहा है। तो ये एक न्यू नॉलेज है कि वो नीमो का नाम भी नीमो कैसे पड़ा, उसके पीछे भी एक साइंस है। ऐसा ही है, तो वो प्लांट उसके अंदर जो है नीमो जो है बेसिकली अपनी ब्रीडिंग करती है, और वो सारी फिशेस को कुछ कहता नहीं, वो सारी फिशेस को खा जाता है, वो आप फिश कोई भी इसमें बैठेगी इट्स अ फूड। मेरे पास जब वो मैंने रखे हुए थे अपने पास, मैंने हटा दी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं, वो बाकायदा मूव करना शुरू कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, वो बेसिकली ऐसा ही है, वो ऑक्टोपस की तरह गायब भी हो सकते हैं टैंक से, तो अच्छा। वो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास तो यहाँ बाहर आके निकल के बैठ जाता था, तरफ आके शीशे पे चिपक जाता था वो, तो वो उसको उसका जो खाना था वही था, लाइव श्रिम्प था, हम उसको जिंदा श्रिम्प देते थे, वो बाकायदा खा लेता था उसको, और उसी जगह पे नीमो जाके बैठती थी तो उसको खेलता रहता था उसके साथ, कुछ नहीं कहता था। तो ये एक अलग ही कुदरत का एक तरीका है, उन्होंने अपनी बॉन्डिंग बना ली है जिसकी वजह से जो है ये मामला चल रहा है। एक आवाज के ऊपर है इनका पूरा घर चलता है, इवन इनके घर के पर्दे भी आवाज पे ही खुलते हैं, फैन भी आवाज पे खुलते हैं, लेकिन इन्होंने टैंक का भी बिल्कुल वैसा ही सिस्टम किया है। अगर मछलियों की लाइट ऑन होनी है, ऑफ होनी है, सारी चीजें होनी है, तो ये सब कुछ आवाज पे होता है। और अभी आप ये देखिएगा जरा ये कैसे हो रहा है। ओके गूगल, टर्न ऑफ रीफ LED। तो डॉक्टर साहब जो है अपने ऑफिस में बैठ कर, मतलब ऐसा है कि ये सर्जरी करें, एकदम से याद आ गया वहाँ पे जो है ना, आप हार्ट खोलते खोलते टर्न ऑफ अपने मोबाइल में बोले, और यहाँ पे घर में जो है ना सब काम हो जाना है। ऐसा ही, ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल। ओके गूगल, टर्न ऑन रीफ LED। अब ये देखिए लाइटिंग सिस्टम वैसे फ़ौरन खुल जाता है, लेकिन इसके पीछे पूरा CPU लगा हुआ है जो कि ये सेंस करता है कि कौन सी लाइट खुलनी है, किस वक्त खुलनी है, किस वक्त किसको कौन सी लाइट चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे ही है, AI लगा हुआ है पूरा इसके अंदर, तो और ये AI से बाकायदा पूरा उसको सेंस करके, और फिर इसके अलावा लाइटिंग के अंदर, इसके अंदर ऐसे भी है कि ये सराउंड्स की लाइट्स को सेंस भी करती है, इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए लाइटिंग के अंदर, वो उस हिसाब से मेंटेन करती है कि कितनी वाइट लाइट बाहर से आ रही है इसके अंदर और कितनी वाइट लाइट मुझे इसको इसके अंदर देनी है। उसके अलावा इस लाइटिंग सिस्टम में थंडरस्टॉर्म का ऑप्शन भी है कि अगर आप जैसे साल में समंदर में थंडरस्टॉर्म आते हैं तो समंदर पे जो बिजली कड़कती है उसकी लाइट जो इन कॉरल्स तक पहुंचती है, तो ये उसके अंदर वो सिस्टम भी बाकायदा ऐसा लगेगा कि बिजली कड़क रही है, तो वो भी पूरा एक साइंस है। इसकी कॉस्ट क्या पड़ी आपको, ये कितने का है ये टैंक, और ये फिशेज की कीमत क्या होगी, क्योंकि हर कोई ये पूछना चाह रहा होगा। देखिए भाई, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं तो सिर्फ ये बताऊँगा कि पहली बात तो ये हॉबी जो भी चूज़ कर रहा है वो उसके पास कैश फ्लो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बहुत इसको हम इंटरनेशनली, मतलब सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, दुनिया के किसी कोने में भी अगर आप ये हॉबी रखेंगे ना, तो इसका हॉबी का एक सेकंड नेम भी है, उसका नाम है मनी सिंकिंग हॉबी।
मतलब आपका मनी सिंक, जैसे सिंक हो रहा है ना इसके अंदर पैसा, जैसे पानी है कश्ती डूबती है इसके अंदर पैसा, इसके अंदर चला जा रहा है चला जा रहा है। तो ये हॉबी अगर आप इसको ऐसा बिजनेस यूज़ करना चाहते हैं तो ये मनी गेनिंग हॉबी भी हो सकती है। अगर लेकिन अगर आप ऐसा इसको शौक रखना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ इसको इसको ज़िंदा रखने के लिए, इसको सब कुछ मैनेज करने के लिए, इसका आपको जो है इसकी एक एक चीज़ पे प्रॉपर मतलब सर्च करके प्रॉपर जो है स्टडी करके, ये नहीं कि आपने यूट्यूब पे देख लिया, आपको बाकायदा इसके लिए किताबें पढ़नी पड़ेंगी और उसके बाद इसकी प्रॉपर इक्विपमेंट्स मंगवानी पड़ेंगी जो कि बहुत कॉस्टली होती हैं, जो कि मेरे हिसाब से मैं अगर आपको एक वन वर्ड में बताऊं तो एक इस तरह का प्रॉपर टैंक जो है वो मिलियन, वन मिलियन से ऊपर की कहानी है पूरी। तो अब आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा भाई। इधर डॉक्टर साहब हम तो इधर ये टेंशन में कि केला 300 रुपये दर्जन हो गया है, आप जो है एक नई चीज़ हमें बता रहे हैं। लेकिन ये मैंने देख लिया कि जिसको ये शौक करना होता है तो फिर वो उसकी एक पीक तक भी पहुंचना चाहे तो पीक जैसे आप माशाल्लाह सीसीटीवी तक लगे हुए हैं कि ये घर में बैठ के इस टैंक को देख सकें, बिल्कुल सामने सीसीटीवी लगा हुआ है और जो है ना बिल्कुल ये टैंक इनको जाहिर है अपने मोबाइल के अंदर और हर जगह पर जो है नज़र आ रहा होगा। तो अभी आप ज़रा ये देखें कि वो ग्लास जो है उसको पहन कर लाइट्स ऑफ करके किस तरीके से टैंक का, ज़रा ये देखिएगा। डॉक्टर साहब ये चश्मे से जो चीज़ें नज़र आई है, नॉर्मल हम देख रहे थे तो इसकी जो जो लाइटिंग थी वो अलग थी, मतलब ये हमें अलग से नहीं नज़र आ रहे थे, लेकिन वो चश्मा जब पहना ना तो हमें एक एक चीज़ अलग 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 नज़र आई अलग अलग रंगों में। तो ये वजह क्या है, ये खुद की अपनी कोई लाइट जो है वो छोड़ रहे हैं जो हमारी आँख नहीं देख पा रही है, या ये कोई आर्टिफिशियली आपने कोई लाइटिंग ऐसी करी हुई थी? कोई ग्लास जो था वो कौन सा था, कोई पोलराइट ग्लास है कौन सा? बेसिकली BLC ग्लास कहते हैं, ब्लू लाइट कैंसिलेशन ग्लास होता है वो। तो बेसिकली होता ये है कि वो जितनी भी जो हमारे कॉरल्स हैं ना वो सब ब्लू लाइट में ब्लूम करते हैं, और ब्लू लाइट उसमें बेसिकली इनकी ग़िज़ा है ब्लू लाइट बेसिकली। अच्छा अच्छा। वो ब्लू लाइट में ब्लूम करते हैं और वो ग़िज़ा है उनकी, तो उसकी वजह से होता क्या है कि हम हमारी आँख से ब्लू लाइट को हमारी आँख फिल्टर नहीं कर पाते, तो हम अपनी आँखों के आगे सिर्फ एक फ़िल्टर लगाते हैं जो ब्लू लाइट को कैंसिल कर देता है, और हम उसके एक्चुअल कलर्स जो जिस वक्त वो ग़िज़ा ले रहे हैं और वो जितना ब्लूम कर रहे हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। That's the difference. अच्छा, जैसे मैं ग्लास पहन रहा हूँ तो मुझे तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से नज़र आई, लेकिन हमारे जो कैमरा मैन है ना उन्होंने बहुत अच्छा, ये स्पेशल लेंस इन्होंने इम्पोर्ट कराए हैं, ये ग्लासेस हैं जिससे ये शॉट बने हैं जो आप अभी देख रहे हैं। ये बड़े ही मतलब ये नॉर्मल मुझे नहीं लगता डॉक्टर साहब पाकिस्तान में इतनी डीपली किसी ने इसको जज करके शूट किया हो या किसी ने शौक किया भी हो, तो मैंने तो नहीं देखा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही लोगों ने शौक बहुत किए हैं, लेकिन इस तरह से लोगों ने क्या किया है कि बस थोड़ा सा अरसे रखा और फिर जो है कुछ अच्छे लोग भी हैं जो रख रहे हैं, लेकिन लोगों ने इतना ज़्यादा केयर करके कि यार मतलब कि इनकी एक एक चीज़ की इनकी ज़रूरत की को पूरा करना और उसी हिसाब से पूरा करना, तो ये इसी से ज़्यादा ये मैंने जो है एनिमल एंथूजियास्ट जो है हमारे जिमी भाई नीचे सीखा है कि ये जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन इतना मैं जो आपने अभी नॉलेज दी ना अभी मैं इसमें से 5% भी नहीं जानता था, ये हम सबके लिए यकीनन ये नई चीज़ें होंगी। और डॉक्टर साहब ये भी बता रहे थे कि इनके अंदर पता नहीं कितने ऐसे कंपोजिशन है नेचुरल न्यूट्रिएंट्स की कि अगर उसमें से एक भी इम्बैलेंस हो जाए ना तो ये चीज़ें मरने लग जाती हैं। और ये पानी भी कोई अच्छा खासा एक्सपेंसिव पानी है, नॉर्मल नल का पानी नहीं डाला हुआ, इसका पूरा एक सॉल्ट वाटर बनता है। वो कैसे बनता है, किन चीज़ों से बनता है डॉक्टर साहब अभी मैं वो भी बताएंगे ताकि जो ये शौक करना चाह रहे हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये कितनी मेहनत वाला शौक है, और अगर आपको शौक करना है तो आप कर भी सकते हैं। सही बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके पास दूसरा भी एक टैंक है जी, देख लें। ये एक और मछलियों का पेयर और ये उससे साइज में थोड़े से बड़े हैं, कलर में बहुत ज़्यादा यूनिक थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये क्लाउन फिश की कोई टाइप लग रही है। जी जी, ये जो क्लाउन फिश ही है, क्लार्की क्लाउन कहते हैं इसको। ये बेसिकली जो दूसरा टैंक आप देख रहे हैं ना, ये टैंक जो है ये हमारे पास जो है क्वारंटीन टैंक रखा हुआ है, ये इसको आप हॉस्पिटल टैंक भी कह सकते हैं। ये टैंक इसलिए ज़रूरी होता है कि मरीन वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती पानी होता है, वो अगर उसमें कोई भी मछली बीमार हो जाए तो वो पानी वगैरह सब कुछ जो है वो ख़राब हो जाता है बिल्कुल। तो उसको मेंटेन रखने के लिए आपको एक दूसरा टैंक रखना पड़ता है कि अगर आपकी कोई मछली बीमार हो जाए, या जैसे
आप इंसानों को, आपने रिसेंटली देखा होगा कोविड के टाइम पे कि क्वारंटीन कर दो बीमार हो गया, इससे किसी और इंसान को जो है तकलीफ ना पहुंचे, इससे किसी और इंसान को जो है बीमारी ना लग जाए। इसी तरह मछलियों में भी इतनी ही केयर की जाती है कि आप फौरन मछली की तो देखें कोई बीमारी है, इसको कोई स्पॉट्स आ गए हैं, कोई लेथार्जिक हो गई है, कोई इसका जो है वेट लॉस हो रहा है, खाना नहीं खा रही है, कोई मसला हुआ है इसको, तो उसको फौरन उसको जो है दूसरा हॉस्पिटल, ये इसका बेसिकली हॉस्पिटल है, यहाँ पर इसमें ट्रीट होती है, इसके अंदर दवाएँ डलती हैं, इस पानी के अंदर इसको मछली को बेहतर किया जाता है और फिर वापस उसके अंदर डाले जाते हैं। ये फैन लगा हुआ है, ये लाइटिंग भी कोई स्पेशल सी लगी हुई है, जैसे चांद की रोशनी होती है उसको बनाया। ये कपड़ा भी मुझे यूनिक ही लग रहा है और कुछ ना कुछ इसमें भी साइंस है। ये बिल्कुल कपड़ा यूनिक है, बस ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है जो कि ग्लास को क्लीन करने के लिए होता है कि ग्लास पे कोई निशान ना आए, और ग्लास जो है उससे आपको ना विजुअलाइजेशन आपकी क्लियर रहे बिल्कुल ना, कि आप जो जो देख रहे हो सामने आपको वही नज़र आ रहा हो, क्योंकि आपको एक इस टैंक के अंदर खासतौर पर जो मछली होती है उसकी बॉडी के ऊपर कितने स्पॉट्स हैं, कौन से कलर के स्पॉट्स हैं, वो कौन सी बीमारी है, उस बीमारी का अलग नाम है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसके लिए आपको ग्लास भी बिल्कुल नॉर्मल कपड़े से नहीं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो कहते हैं ना किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए यार गंदा कपड़ा देना, मैला कपड़ा देना, तो आपको ये कपड़ा भी बिल्कुल साफ़ सुथरा चमकता हुआ कपड़ा चाहिए जिससे आपको इस ग्लास को साफ करना पड़े। स्टार्ट कहाँ से हुआ, कहीं से तो स्टार्ट हुआ, ये जो है ये चीज ऐसे तो नहीं कनेक्ट हो जाती। ये हमारे बड़े साहब जाते हैं। अच्छा, ये शर्ट भी मछली वाली पहन कर आए भाई, ये हमारे बड़े बेटे हैं माशाल्लाह से। इनका ये था कि इन्होंने जब वहाँ पर ये मछलियाँ देखी तो उन्होंने कहा बाबा मुझे ये मछलियाँ घर पर चाहिए। अब मैं एज अ फादर जो है, जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं वो यही सोचते हैं ना कि यार अपने बच्चों को जो है जो मांग रहे हैं वो दे दें। अब मैं वहाँ सिर्फ सोच रहा था कि कैसे होगा ये, लेकिन अब आज जब मैं यहाँ खड़ा हुआ और जब ये मैं सब मैंने कर लिया और इसमें माशाल्लाह इन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया सारी मछलियों का, इनकी नॉलेज, इनकी इन्फॉर्मेशन, ये सब जो है मुझे ये इन्फॉर्मेशन ये देते थे, उसको जो है फर्दर जो है अप्रोच मेरी होती थी, फिर उसको मैं जो सब गैदर करता था चीज़ों को, ये सारी डिसाइड वगैरह किया था क्या क्या लेना है क्या क्या चाहिए, वो इन्होंने किया था। अस्सलाम वालेकुम कायन साहब, कैसे हैं आप? माइक पकड़े हैं। ठीक हूँ मैं। ठीक है आप? आप इसको फूड डालते हैं? हाँ। डालते हैं, अभी जरा डाल के दिखाएंगे आप, हम भी तो जरा देखें कि ये जो स्पेशल मछलियाँ ये खाना कौन सा खाती है और ये कितना खाती है, और आप कैसे जरा डालते हैं, जरा डाल के दिखाएं। डॉक्टर साहब, ये जो आप मुझे अभी बता रहे थे कि इस पानी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है, बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं, मैं तो पता है क्या सोच रहा था, एक आम आदमी यही सोचेगा कि यार समंदर से हम हाउस बोट से पानी भर के लाते हैं, टैंक के अंदर डालते हैं और मछलियाँ डाल लेते हैं, पानी समंदर का हो जाएगा, समंदर की मछली पल जाएगी। क्या ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर ये कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं? स्टार्टअप ऐसे करोगे, आपने टैंक लिया, टैंक के अंदर अपने इसकी सेंट ली, इसके जो पत्थर लिए, पानी डाला, पानी में नमक मिक्स किया बाकायदा, उसके बाद दो महीने तक आपने इसको साइकिल किया पूरा, दो महीने तक आप इसमें कुछ भी डाल सकते, जो भी डालोगे वो मर जाएगा। दो महीने तक इसके अंदर एक नेचुरल बैक्टीरिया ग्रो होता है और उसके बाद वो जब ग्रो हो जाता है पानी को मैच्योर करते हैं। बेसिकली दूसरी हॉबीज़ में आप एनिमल को ट्रीट करते हो, एनिमल को पालते हो, इस वाली हॉबी में आप पानी को ट्रीट करते हो। हम पानी को अच्छा रखेंगे, यू ओनली ट्रीट द वाटर। अगर आपका पानी अच्छा है तो आपका जानवर भी अच्छा रहेगा। तो पानी को अच्छा रखने के लिए सारी मेहनत जो आप देख रहे हो, इससे पानी को अच्छा रखने के लिए, पानी को मेंटेन रखने के लिए, उस लेवल पे रखने के लिए कि जहाँ तक जो समंदर का पानी जिस तरह से अल्लाह मियाँ ने रखा हुआ है वहाँ हम वैसा तो रख नहीं सकते, इसलिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप सोचें कि जो कुदरत का निज़ाम जो आपको मुफ्त में मिल गया है, मतलब अगर मैं दिन में 4 घंटे दे रहा हूँ इस हॉबी को पिछले 3 साल से, तो यही निज़ाम हमें समंदर में अगर हम झाँक के देखते हैं तो अल्लाह मियाँ ने मुफ्त में रखा हुआ है हमारे लिए, और वह हमें उसका एहसास ही नहीं होता कि यार हमारे लिए कितनी बड़ी चीज़ रखी हुई उन्होंने। क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से यूज़ हो रही है? ये बेसिकली देखिए, हम पानी के अंदर मैग्नीशियम टेस्ट करना होगा कि पानी में मैग्नीशियम कितना है, तो मैग्नीशियम की के टेस्ट में बाकायदा पूरा इसमें टेस्ट ट्यूब्स वगैरह हैं, पानी का सैंपल लिया जाता है बाकायदा, उसको केमिकल कंपोजिशन से प्रॉपर तरीके से मिलाया जाता है। इस तरह ये अल्कलिनिटी जो है वो कोरल्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि अल्कलिनिटी पानी की कितनी है, तो कोरल्स जो है बेसिकली अल्कलिनिटी लाइट्स पर और अल्कलिनिटी पर ही जिंदा रहते हैं, तो वो टेस्ट करना पड़ता है। फिर ये आपका नाइट्रेट आ गया, पानी के अंदर नाइट्रेट जो है वो अगर बढ़ा हुआ तो मछलियों को नुकसान पहुँच सकता है, मछलियों के गिल्स जो है वो जल सकते हैं, और इस तरह अमोनिया है इस तरह से ये रखा हुआ है सामने, ये कैल्शियम रखा हुआ है आपका पानी के अंदर, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है कि हार्ड कोरल्स जो होते हैं वो कैल्शियम पर जिंदा रहते हैं, तो वो आपको उसको मेंटेन रखना पड़ता है पानी में। अगर ये सब किट्स हैं, अगर ये कम ज़्यादा होता है तो इसकी बाकायदा डोजिंग करनी पड़ती है वाटर के अंदर, पानी के अंदर जितना लेवल ये कम होगा उतना लेवल कैल्शियम डोज करना पड़ेगा, जितना लेवल मैग्नीशियम कम होगा उतना लेवल मैग्नीशियम को डोज करना पड़ेगा, जितना लेवल आपके और जो सारे कंपोनेंट्स आगे पीछे होते हैं तो उसको बाकायदा डोज करना पड़ता है, उसके पैरामीटर्स को मेंटेन करना पड़ता है। फिर आ
हैं आप नमक के ऊपर, ये हम कोरल प्रो हम यूज़ कर रहे हैं, कोरल्स के लिए बेस्ट होता है नमक। ये भी एक बाकायदा जो है एक अलग साइंस है पूरी, इसके अंदर मिनरल्स प्रॉपरली मिनरलाइज्ड होता है ये नॉर्मल घर का जो नमक होता है वो नमक नहीं होता। ये समंदरी लोग अगर समझते हैं ना कि समंदर का पानी तो जो समंदरी नमक है जो पिंक सॉल्ट है लोग समझते हैं वो डलता होगा इसमें, मुझे भी ऐसा ही लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल मिथ है। ऐसी को अगर कोई सोच भी रहा है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर प्योर रीफ सॉल्ट डलता है जो कि बहुत ही कम कंपनीज हैं जो दुनिया में बनाती हैं। अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, एक किसान जो है वो खेती करता है तो पहले ज़मीन रेडी करता है, उसको उतना नम करता है, फिर बीज डालता है, फिर फसल उगती है तो फिर फ्रूट आते। तो ये सर बहुत मुश्किल हॉबी, लेकिन ऑफ कोर्स जिसकी ये हॉबी है जिसको शौक है उसके लिए बहुत आसान। तो बस मैं आज जो है वो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, और जो है वो डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया, उनकी फैमिली ने भी टाइम दिया, ज़ाहिर है इनकी फैमिली के अंदर सारे पेट लवर्स हैं, और ये दिखने में एक छोटा सा सेटअप है लेकिन इस सेटअप के पीछे अगर आपने पूरा शो देखा है तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितनी मेहनत, कितना पैसा, कितना वक्त लगा है। और एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ये है, वो बहुत बिजी लाइफ है इनकी, खुद जो है वो कार्डियो के डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वह उस लाइफ को भी टाइम देना है, ये शौक को भी पूरा करना है, और इसको एडवांस तरीके से किस तरीके से कर रहे हैं ये एक नई चीज़ है। तो आपको पता है कि बनाना प्राइम के सारे एपिसोड जो है मोर नॉर्मल नहीं होते, हर स्टोरी एक अलग होती है, हर जानवर एक अलग होता है, हर जगह एक अलग होती है। तो आज जो है हमने एक ऐसे जो है वो शौकीन का ये सेटअप कवर किया है जिन्होंने जुनून की हद तक जो है वो मछलियों को अपना सब कुछ दिया हुआ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो है हमें आप जो कमेंट्स करें, स्टार्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, आप दुनिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें स्टार्स सेंड करें, और अगर आपका कोई इसी तरह का कोई शौक है, सेटअप है, तो आप हमें इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह हम सारे यूनिक सेटअप्स को जो कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।